हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका इंग्लिश क्लास में। और आज जो हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं यूनिट टू नॉजेस। ठीक है, जो आपका नॉजेस चैप्टर है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलते हैं आपके चैप्टर की तरफ। तो देखिए, तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आपकी तरह एक लड़की है जो अपने आप को शीशे में देख रही है, और शीशे में देखने के बाद उसको सबसे पहले जो उसको चीज़ दिख रही है वो उसकी नाक दिख रही है। कैसे उसकी नाक मतलब ऊपर की साइड को मतलब कैसे निकली हुई है, ठीक है ना, इसके बारे में वो आपको कुछ बातें बता रही है। देखो, आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने शीशे में देखा। मिरर मतलब होता है शीशा। मैंने शीशे में देखा, एंड लुक्ड एट माई नोज, और मैंने अपनी नाक को देखा। इट्स द फनीएस्ट थिंग, ये तो बड़ी मजेदार चीज़ है। इट्स वेट ग्रोथ, जिस तरीके से वो बढ़ती है। स्टक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ इट सोज विद टू लिटिल होल्स वेयर द ब्रीथिंग गोज। इस तरीके से वो बिल्कुल खड़ी है कि उसके जो जो उसके दो छोटे छेद है ना, वो भी वहां से दिखाई दे रहे हैं, जिस जहां से मेरे सांस लेती हूँ। आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने मिरर में देखा, एंड सॉ इन देयर द एंड ऑफ माय चिन, मैंने मिरर में देखा और मैंने देखा कि जहाँ पे हमारी वो जो हमारे होंठ होते हैं ना, लिप्स के नीचे वाली जो होती है उसे ठोड़ी कहते हैं, तो वहाँ से एंड द स्टार्ट ऑफ माय ईयर, और जहाँ पे मेरे मतलब कि बाल स्टार्ट होते हैं, एंड बिटवीन देयर, उनके बीच में इजंट मच स्पेस, वहाँ ज़्यादा जगह नहीं होती है टू स्पेयर विद माय नोज, जहाँ पे मेरी ये नाक चिपकी हुई है लाइक ए हैंडल, कोई एक हैंडल की तरह स्टिकिंग देयर, जैसे किसी ने वहाँ हैंडल चिपका दिया हो। इफ यू वांट टू गिगल एंड साउ, यदि आप चाहते हो कि मतलब कि थोड़ा गुदगुदाना कोई या फिर चिल्लाना, एंड कांट थिंक ऑफ व्हाट टू डू इट अबाउट, और तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या करना है, तो जस्ट लुक इन द मिरर, तो शीशे में जाइए, और एंड देन नो डाउट, और फिर कोई आपके अंदर कोई शंका नहीं रहनी चाहिए। यू विल सी हाउ फनी योर नोज, तुम देख सकते हो तुम्हारी नाक कितनी मजेदार है, स्टिक आउट, कैसे वो वहाँ पे चिपकी हुई है। तो फ्रेंड्स, अब इसके आपको वर्ड मीनिंग देख लो अपनी वहाँ पे बुक में, यहाँ पे वर्ड मीनिंग हम लोग लिख रहे हैं, और आपके क्वेश्चन आंसर। थैंक यू वेरी मच।